हेलो चेस एंथुसियास्ट, आई एम अभिषेक गुप्ता और आज हमारा डे 50 यानी कि सिल्वर जुबली ऑफ 75 हर्ट्ज चेस चैलेंज। पहले हमने जेरेमी सिल्वन्स एंड गेम प्रिपरेशन की बुक में से पॉन ऑन वन साइड ऑफ द बोर्ड के इस कंसेप्ट का जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उसे सॉल्व किया। हमने एक लेक्चर में थियोरी की थी ऑलरेडी, इसलिए अब हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं सॉल्व। अगर आप बुक देखोगे तो कोई भी कंसेप्ट में पहले थियोरी होती है एंड देन उसके बेस प्रॉब्लम होते हैं ताकि आपका उसका एग्जाम्पल और रिविजन प्रॉपर हो जाए, ताकि आप वो कंसेप्ट को ना भूले आगे। फिर हमने खेली चेस के कुछ गेम्स chess.com पर और आज हमने खेले 2 गेम्स जिनमें से हमारी रेटिंग जो है वो वही है जो कल की थी, यानी कि +8 एंड देन -8 विद द सेम अपोनेंट, और हमारी रेटिंग में कोई चेंजेस नहीं रहे। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हमने स्टार्ट किया था ये चैलेंज 1580 रेटिंग पे और अभी हमें 50 डेज हो चुके हैं बट हमारी रेटिंग जो है 1700 है। आई डोंट थिंक आई एम सेटिस्फाइड, आर यू? मैं सच कहूँ तो हम दोनों गेम जीत रहे थे बट देन मैंने मिसक्लिक कर दिया और मेरा रुक ब्लंडर हो गया। ये गेम जो कि ड्रॉ होने वाला था वो मैं हार गया। फिर हमने खेल लिए चेस के पजल्स हमने किए ली चेस पर। पजल्स की रेटिंग में कहूँ तो फाइनली वी आर ऑन 2100। हम जल्द ही chess.com का प्रीमियम अकाउंट लेंगे, बस थोड़े पैसे जमा हो जाए एक बार, बट आई अश्योर यू कि हम नेक्स्ट वीक तक तो ले ही लेंगे। आज है संडे तो नेक्स्ट संडे तक हम पक्का ले ही लेंगे एंड वी विल बी प्लेइंग पजल्स ऑन chess.com, क्योंकि वहाँ के पजल्स मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छे और गेम में आते हैं, वेयर एज लीचेस के पजल कुछ कुछ फालतू है। मूविंग नेक्स्ट हमने कर लिया द करेंट बेस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड मैग्नस कार्लसन के गेम का एनालिसिस जो कि बहुत ही ब्रिलियंट था, और ये था वर्सेस लेवन अरोनियन जिसमें मैग्नस कार्लसन ने विथ व्हाइट ब्लैक को यानी लेवन अरोनियन को लेमन के जैसे निचोड़ दिया। बहुत ही फैबुलस गेम के साथ हमारा 50 यानी कि सिल्वर जुबली कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो।